Make sure to subscribe and hit the notification button to get notified when new videos come out. हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ चिकन हलीम की। ये बहुत मज़ेदार होता है और इस ये मैं जो चिकन ताई से बना रही हूँ बहुत इजी होती है रेसिपी, और आप लोग इसको ज़रूर देखिए और मेरे स्टेप्स को फॉलो करें। चले मैं बनाना शुरू करती हूँ। चिकन हलीम के लिए मैंने ये दालें ली हैं, सारी मिक्स दालें, चने की दाल, मसूर, और ये इसमें चावल हैं और गेहूँ है, बार्ली, इसमें सब चीज़ें मिक्स हैं। ये डेढ़ कप है और अब हम इसे धोएंगे और फिर से भिगो के मैं एक घंटे के लिए रख दूँगी। ये दालें मैंने जो एक घंटे पहले भिगोई थी ये भीग गई हैं, अब मैं इसे उबलने के लिए रखूँगी। इसे बॉईल करते हैं, इसमें इतना पानी डालें कि बस गल जाए। इसको गला लेते हैं हम लोग। अब इसमें पानी डालते हैं थोड़ा सा, बस ये इसमें गल जाएंगी तो फिर हम देखते हैं। ये देखें हमारी दालें एकदम तैयार हैं, रेडी हैं, बिल्कुल गल गई हैं। बस अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब मैं ये इसके लिए कौरमा बनाने जा रही हूँ। हलीम के लिए मैंने एक कप ऑयल लिया है और ये इसमें मैंने एक मीडियम ऑनियन है। गोल्डन ब्राउन ये हमारी अनियन जो है ऑलमोस्ट ब्राउन हो गई है, गोल्डन ब्राउन ऑलमोस्ट हो गई है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन डालूंगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। हमारी चिकन है 2 पाउंड मैंने चिकन ली है, चिकन ताई है, ये बड़ी बड़ी ऐसे ही डालूंगी ताकि उसके रेशे जो हैं हो वो लंबे लंबे हलीम में नजर आए। थोड़ा सा हम चिकन को फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ और फिर मैं इसमें मसाला डालूंगी। ये हमारी चिकन देखें फ्राई हो गई है, मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया प्याज के साथ। अब हम इसमें मसाला डालेंगे, ये होममेड हलीम का मसाला है। इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उसका लिंक डाल दूँगी। ये हम 6 टेबल स्पून डाल रहे हैं हलीम का मसाला। हमारा मसाला भून गया चिकन के साथ, अब हम इसमें पानी डालेंगे और चिकन को गलने के लिए रख देंगे। ये 1 लीटर के करीब पानी है ये मैंने इसमें डाल दिया। अब हम इसे गलने के लिए रख देंगे, चिकन हमारी गल जाएगी तो फिर हम आपसे मिलते हैं। हमारी चिकन गल गई है, अब हम इसे निकाल लेंगे, इसमें से सेपरेट कर लेंगे
कोरमा हमारा तैयार है बिल्कुल। चिकन भी गल गई है, अब इसे निकाल के मैं इसको इसके जो है रेशे करूँगी, इसको अलग करूँगी चिकन को। अब ये हमने जो दाल बॉईल की थी इसको हम इसमें कोरमे में डालेंगे और फिर इसको मैं ब्लेंड करूँगी। हमने ये दाल इसमें डाल दी, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके और फिर मैं इसको जो है हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी ताकि दाल इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये हमने जो चिकन निकाली थी इसको मैंने देखें इस तरह से अलग कर लिया है, एकदम फ्रेड कर लिया था और अब हम इसे डालेंगे। ये दाल हमारी ऑलरेडी मैंने मैश कर ली थी, अब इसमें हम चिकन डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। पानी डालेंगे थोड़ा सा, मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट डालें। मैंने जो मसाला डाला था उसमें सॉल्ट था, पर जाहिर है उसमें दाल वगैरह डाली तो कम है थोड़ा, तो मैं उसको बराबर करने के लिए इसमें थोड़ा सॉल्ट डालूंगी। तो हरा मसाला, पुदीना, हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल के इसे हम मिक्स करेंगे और फिर इसे घोटेंगे। अब ये पक रहा है, अब मैं इसे दाल घुटने के साथ ऐसे घोटती रहूंगी तो इसमें अच्छी लेस आ जाएगी अगर आप उसको इस तरह से घोटेंगे तो। तो इसको थोड़ी देर तक घोटते रहें। ये हमारा हलीम रेडी है, अब बिल्कुल देखें घुल गया है और देखें इसमें, ये देखें इसमें लेस आ गई है, देखें ज़बरदस्त सा चिकन अच्छी तरह मिक्स हो गई है इसमें। अब हम इसमें बघाड़ लगाएंगे, मैं प्याज लाल करूँगी फिर इसमें बघाड़ लगाते हैं। अब हम हलीम में बघाड़ लगाएंगे, उसके लिए मैं बघाड़ के लिए मैं ऑयल डाल रही हूँ हाफ कप के करीब, और ये एक प्याज है छोटी वो मैंने काट के रखी हुई थी पहले से। बघाड़ लगा रहे हैं, ये प्याज ब्राउन हो गई थी हमारी। और इसको हम हल्के आंच पे थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो ये हल्के हल्के से दम हो जाएगा, और फिर जस्ट ओनली 5 मिनट्स के लिए रख के और फिर उसके बाद हम इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। ये हमारा मज़ेदार सा हलीम, चिकन हलीम तैयार है। अब हम इसमें हरा मसाला डालेंगे सारा, आप इसमें हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें
प्याज, तली हुई प्याज ज़बरदस्त लगती है, इसके साथ बहुत मज़ा आता है प्याज के साथ। थोड़ी सी अदरक और लीमू, यह हमारा मज़ेदार सा चिकन हलीम तैयार है। ये देखें कितना ज़बरदस्त, ये इतना रेशेदार सा हलीम है, ये बहुत मज़ेदार है। आप लोग ज़रूर इसकी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये, आप इसको अपने घर में बनाएं और बहुत मज़ेदार बनता है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको मेरे हलीम की रेसिपी पसंद आई होगी। चिकन हलीम बहुत ज़बरदस्त बनाए हैं हम लोगों ने, बहुत इंजॉय किया हलीम को खाकर। आप लोग ज़रूर मेरी रेसिपी को फॉलो करें, मुझे अपने कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पर आप फॉलो कर सकते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।